They say that buy stocks whose holding period is forever, but it's a dynamic word. So the quality stocks that you have bought, वो हमेशा quality stocks बने रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए आपको अपनी exit strategy समझ में आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर बाय एंड सेल स्ट्रेटेजी होती क्या है और किन सिचुएशंस में आपको इसको अप्लाई करना चाहिए तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए टू गेट ऑल योर आंसर्स मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं मगर इसके पहले की वीडियो की शुरुआत करें डोंट को टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो की क्या आपने अभी किसी रिसेंटली किसी स्टॉक से एग्जिट किया है अगर किया है तो क्यों किया है उसका रीजन मुझसे कमेंट्स में जरूर शेयर करिए मैं आपके रिस्पॉन्सेस का वेट करूंगी ऑल योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर नोशनल अनलेस यू सेल द स्टॉक तो इसीलिए सही समय पे सेल करना बहुत जरूरी है अगर प्रॉफिट्स हुए तो उसे बुक करने के लिए और अगर लॉसेस हुए तो टू कट द लॉसेस बिफोर यू लूज मोर मनी इसीलिए आपको अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर बना लेनी चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू अ स्टॉक और इसी को कहते हैं बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी बाय एंड सेल स्ट्रेटेजी एम्स एट बाइंग एट द बॉटम एंड सेलिंग एट द टॉप दिस इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट बट नॉट इम्पॉसिबल स्टॉक्स खरीदना आसान है मगर उसको बेचना मुश्किल है तो आपको एग्जैक्टली कब स्टॉक को सेल करना चाहिए आई कवर थ्री सिनेरियोस। कीप अ क्लोज टैब ऑन नंबर्स दैट योर पोर्टफोलियो कंपनीज डिक्लेयर और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि ये जो नंबर्स हैं, वो उस स्टॉक की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको उस स्टॉक को सेल करना कंसिडर करना चाहिए इन अदर वर्ड्स, अगर कंपनी के जो फंडामेंटल्स है जो कॉपोरेट अर्निंग्स है इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ दैट स्टॉक तो आपको उसको एग्जिट जरूर कर देना चाहिए मगर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ ऐसी कंपनीज़ होती हैं जैसे कि एफ एम सी जी एंड आई सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहती है तो जो उनके और इसी रीजन से उनके जो वैल्यूशन है वो हमेशा रिच बने रहते हैं तो इन कंपनीज को आपको सेल नहीं करना है इन कंपनीज के जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होती है लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न होते हैं वो अट्रैक्टिव बने रहते हैं सो डू कीप दिस पॉइंट इन माइंड कई बार हम एक आइडिया पे पूरा कन्विक्शन ले करके कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं मगर ग्रेजुअली वो आइडिया आउट होता दिखता ही नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी कुछ गलत स्टेप ले ले जिसकी वजह से जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है वो आपको फेल होती दिखाई दे तो अगर कंपनी ने अपनी इनिशियल ग्रोथ स्टोरी से डिविएट कर लिया है अगर वो कंपनी उस पर स्टिक नहीं है एंड द न्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी डजन योर रिस्क एपिटाइड देन इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दैट स्टॉक कभी कभी गवर्नमेंट या रेगुलेटर्स कुछ ऐसा पॉलिसी एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से उस सेक्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और अगर ऐसा कुछ होता है किसी सेक्टर में अगर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट आती है तो आपको ज़रूर उस अनाउंसमेंट के इम्पैक्ट को स्टडी करना चाहिए और आपको अगर वो नेगेटिव डेवलपमेंट है तो आपको उस स्टॉक को सेल करना कंसिडर करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली गवर्नमेंट इम्पोज स्पेशल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ स्टील आयरन ओर एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सो इट्स अ नेगेटिव डेवलपमेंट फॉर दोज कंपनीज लिंक

Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.